Many months later. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार, जेईई मेंस 2022 की डेट्स अब पास आते जा रही है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन यार बढ़िया चल रही होगी। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अभी एग्जाम के प्रति उतना सीरियस नहीं हो, बट यार आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि अभी भी अगर आप एक जो है प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करते हैं ताकि आप एग्जाम से पहले अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर ले, तो आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। बस आपको जो है सेल्फ मोटिवेटेड रहना है और अपने जोश को जो है ठंडा नहीं होने देना है। अब देखिए, एग्जाम की प्रिपरेशन तो आपकी बढ़िया चल ही रही है, उसी के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूं जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा बूस्ट देंगे, क्योंकि यही यार छोटी छोटी गलतियां जो है कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं जिनके कारण उनका रिजल्ट बिगड़ जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। तो सबसे पहली टिप है कि ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए, हमें नहीं पता कि 2022 में टोटल कितने अटेम्प्ट होंगे, हो सकता है 2 हो या हो सकता है 3 हो या 4, बट अगर हम 2021 का केस उठाए जिसके अंदर 4 अटेम्प्ट हुए, तो जैसा कि यार हमने अपने स्टूडेंट से बात करी तो हमें ये पता चला कि उनका जितने परसेंटाइल मतलब फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में आया था वो उतना जो है थर्ड एंड फोर्थ तक मेंटेन नहीं कर पाए। तो अब इसका रीजन क्या हो सकता है? तो सबसे पहला और मेजर रीजन ये है कि कॉम्पिटिशन। देखिए, जैसा कि मतलब फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में लोगों का ऐसा होता है कि सिलेबस उतना कंप्लीट नहीं होता है, तो वो पेपर एज अ प्रैक्टिस दे देते हैं और उतना अच्छा उस टाइम पे नहीं कर पाते, बट थर्ड और फोर्थ तक आते आते उनके क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है, उनकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, तो वो थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में बहुत अच्छा कर देते हैं, जिसके कारण जो फर्स्ट और सेकेंड में अच्छा करते हैं ना वो लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो यही चीज अपन को देखने मिलती है। देन दूसरा जो एक रीजन हो जाता है वो है कि स्टूडेंट्स जो है पेपर के प्रति हैबिचुअल हो जाते हैं। उनको पता है कि पेपर उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में देख लिया, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में देख लिया, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि यार रिपीटेटिव, कि भाई ये चीज तो है, तो जो पेपर के प्रति एक एक्साइटमेंट लेवल रहती है ना वो हमारी एक तरीके से खत्म हो जाती है। इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड के टाइम पे जो 100% एनर्जी से उस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं और उसमें अपना बेस्ट देते हैं वो हम थर्ड और फोर्थ में नहीं कर पाते, इसके कारण भी यार आपका परसेंटाइल जो है गिरते जाता है। तो ये जो रीजंस है, ये चीज आप मतलब मान लीजिए कि आपका जो है 2022 में भी हो सकता है, इसलिए आपको ट्राई करना है कि आप अपने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ही जो है सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दे। देन एक और चीज ये भी देख लीजिए कि अब जेईई मेंस जब खत्म होता है और उसके बाद आपका बिट सेट रहता है, देन जेईई एडवांस रहता है, तो उसके लिए भी तो आपको टाइम चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ही अपना बेस्ट दे दे। अगर आपके 98-99 परसेंटाइल आ जाते हैं तो आपको एक श्योरिटी मिल जाती है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा। उसके बाद आपका पूरा फोकस हो जाता है कि भाई अब तो मुझे टॉप 7 IITs चाहिए या फिर बिट्स पिलानी में एडमिशन चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते हैं उन एग्जाम्स के लिए और आप उसमें भी बहुत बेहतरीन कर सकते हैं और आप टॉप ब्रांचेस जैसे कि CS EEE इन सब में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसलिए आपको इस टिप को ध्यान रखना है और अपना ट्राई करना है कि अपने जो इनिशियल अटेम्प्ट्स में है उसी में अपना बेस्ट दे। तो सेकंड टिप इज कि केमिस्ट्री विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। देखिए, एक जनरल ट्रेंड जो कि हमें जेईई मेंस के पेपर्स में देखने को मिल रहा है वो ये है कि केमिस्ट्री जो है वो इजी आता है, फिजिक्स हमारा थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहता है और मैथ्स जो है वो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट और साथ ही साथ लेंथी आता है। तो यहां पे जो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है वो है हमारा केमिस्ट्री। जिस भी स्टूडेंट का मतलब केमिस्ट्री बहुत अच्छा है और वो लगभग 80-90 मार्क्स स्कोर कर लेता है तो इससे वो एक बहुत ही बढ़िया परसेंटाइल ले आएगा केमिस्ट्री में। और इन केस अगर यार आपका फिजिक्स या मैथ्स थोड़ा सा वीक है और उसमें थोड़ा परसेंटाइल नीचे हो भी जाता है तो केमिस्ट्री किसी तरीके से कंपेंसेट करके आपको ओवरऑल परसेंटाइल को बढ़ा देगा। तो ये फायदा होता है हमारा केमिस्ट्री का। इन केस केमिस्ट्री यार आपका थोड़ा वीक है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के उसको अपना स्ट्रांग सब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। अब देखिए, केमिस्ट्री के लिए आपको सबसे पहला टारगेट ये रखना है कि अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो सबसे पहला टारगेट ये हो कि भाई एनसीईआरटी को पूरे अच्छे तरीके से करना है, कम से कम 2-3 बार अच्छे से पूरी तरीके से केमिस्ट्री जो है मतलब एनसीईआरटी जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। अब देखिए, यहां पे मैं अच्छे से को थोड़ा एम्फेसाइज करूंगा, अच्छे से का मतलब यहां पे है कि भाई कोई आपसे आके नींद में भी अगर पूछ रहा है ना कोई रिएक्शन कि भाई इसकी रिएक्शन बताओ तो वो आपको बताते आनी चाहिए। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी बुक को जो है खत्म करना है। अब अगर आपके एनसीईआरटी बुक अच्छे से हो गई
तो उसके बाद आप कोई भी अच्छी रेफरेंस बुक उठाइए, उससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। रेफरेंस बुक के अलावा आप अपने कोचिंग मटेरियल पे भी रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, तो उनसे भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप यार केमिस्ट्री के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ट्राई करिए कि केमिस्ट्री में आप जितना मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं उतना लाइए। नाउ द थर्ड टिप इज प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स नाउ ओनली। देखिए, आप जानते हैं कि यार इस साल से जो है अपना बोर्ड्स का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब टर्म वन और टर्म टू का सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एक टाइप से मतलब है कि भाई टर्म वन के सिलेबस को अभी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद टर्म टू का अपन बाद में देखेंगे। तो टर्म वन की एग्जाम तो अपनी नवंबर दिसंबर के आसपास होगी और टर्म टू की अपनी लगभग मार्च या अप्रैल के आसपास। तो देखिए, यहां पे आप एक चीज को ध्यान दीजिए कि भाई टर्म टू की एग्जाम अपने मार्च और अप्रैल के आसपास पड़ रही है, जो कि कहीं ना कहीं अपने जेईई मेंस के अटेम्प्ट्स के बीच में पड़ेगी। तो भाई क्या आप दोनों जगह डाइवर्ट होते रहेंगे कि भाई बोर्ड्स पे फोकस करूं या फिर जेईई मेंस पे? तो इस टाइप की कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन हमें क्रिएट ही नहीं होने देनी है। हमें ट्राई करना है कि अपना यार बोर्ड्स का जितना मैक्सिमम पॉसिबल सिलेबस है हम अभी ही कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो एक बार अगर आपका सिलेबस अच्छे से हो गया तो उस टाइम पे आप पूरा फोकस जो है जेईई मेंस पे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। थोड़ा बहुत जो रिवीजन का टाइम रहेगा तो वो आप वहां पे थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट थोड़े से ब्रश अप हो गए तो आप बोर्ड्स के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब देखिए, बोर्ड्स में ऐसा होता है कि यार कई सारा पोर्शन, मतलब जैसा कि आप जानते हैं टर्म टू सब्जेक्टिव होगा, तो वहां पे तो यार आपको चीजें लिखनी पड़ेगी और ऐसी कुछ चीजें होती है जो कि आपको रटनी पड़ती है और वो आपके जेईई मेंस के लिए उतनी रेलिवेंट नहीं होती है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम तो जो है वो डिवोट करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे, मतलब मार्च अप्रैल के आसपास, उस टाइम को डिवोट करने से अच्छा अभी कर लीजिए, उन चीजों को अच्छे से याद कर लीजिए। बीच बीच में एक दो बार उठा के देख लिया तो वो चीज अगर आपको अच्छे से हो गई तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यार आपका इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट, उन पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, तो उनको भी यार अभी ही अच्छे से निपटा लीजिए। तो टर्म वन और टर्म टू का जितना मैक्सिमम पॉसिबल सिलेबस ये आपको इस टाइम तक निपटा के रख लेना है ताकि आप अपने जेईई मेंस पे पूरे 100% एफर्ट्स डाल पाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जितनी भी यार टिप्स डिस्कस की है उसको बस अपने उन चीजों को आपको ध्यान रखना है और ये गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। ये आपका यार, मतलब जो भी फ्रेशर्स है उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। तो जितनी भी जो पुरानी गलतियां लोगों ने करी है उनसे चीजों को सीखना है और हमें आगे बढ़ना है, तभी जाके हम एग्जाम में जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। बाकी इस चैनल पे मैं आपके लिए और भी नए तरीके के वीडियोस, जो कि मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन रहेंगे आपके जेईई मेन से रिलेटेड, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें शॉर्ट ट्रिक्स भी पॉसिबल है, जिस किस तरीके से हम फास्टर अप्रोच से जो है क्वेश्चंस पे मूव कर सकते हैं, और बिटसेट के लिए जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लाने की सोच रहा हूं। साथ ही साथ आपका जो अभी बोर्ड्स के लिए टर्म वन के ऑब्जेक्टिव पेपर रहेंगे उनके लिए भी मैं कुछ वीडियोस लाने की सोच रहा हूं। तो ये वीडियोस आपके लिए हाईली बेनिफिशियल रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए यार आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा हमें प्यार मिलेगा हम उतने ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।